कुत्ता गोलिया और मालेगांव का कनेक्शन क्या है, ये जानने की आज हम कोशिश करने वाले कि क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाने की, एक स्टोरी बनाने की सोची और उसे बाकायदा पब्लिश कर दिया, जिसमें बताया गया कि कुत्ता गोली ये कैसे मालेगांव के युवा को खाए जा रही है और कैसा पूरा मालेगांव का जो युवा वर्ग है, जो स्कूल और कॉलेज में जा रहा है, वो इसका शिकार बन चुका है। और आज अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो पता नहीं कल मालेगांव का क्या हो जाएगा, जैसे उड़ता पंजाब हुआ था और पंजाब की एक बहुत बड़ी युवा पीढ़ी ड्रग्स के अधीन चली गई थी। कुछ इसी तरीके से आज हम देखते हैं कि मालेगांव के बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में जाने वाले जो बच्चे हैं वो इस कुत्ता गोली के नशे के शिकार हो चुके हैं। आज मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि पुलिस ने इन 4-5 सालों में कितनी बार रेड डालकर कितना माल बरामद किया है, कैसे पहले 90,000 का माल बरामद किया, कैसे फिर 6,000 गोलियां बरामद की गई, कैसे 8 लोगों को पकड़ा गया। ये कहानी आपको कहीं पर भी सुनने मिल जाएगी। हम इसके परे जाकर सोचने वाले हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों, आपको सिर्फ मालेगांव के ताल्लुक से नहीं, हमारे देश के ताल्लुक से इन नशीले पदार्थों से युवा वर्ग को कैसे हम दूर रख सकते हैं, इसके बारे में समाज बोलकर, पेरेंट बोलकर, मेंटर बोलकर और एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने फिर एक बार मालेगांव का नाम सुर्खियों में लाने का काम किया है। जो मालेगांव पहले धार्मिक और जातीय दंगलों से जाना पहचाना जाता था, वो बात हमने बहुत हद तक दूर छोड़ दी। फिर मालेगांव का नाम एक बार सुर्खियों में आया और यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए और पूरी देश में और पूरी दुनिया में इस आतंकी हमले को समझने की कोशिश की गई। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां बनी, बहुत नैरेटिव्स बने, बहुत चर्चा हुई, न्यूज़पेपर में बातें चली और आज तक कोर्ट में इसका जो ट्रायल है वो चल रहा है। मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद भी मालेगांव वालों ने दंगे को बिल्कुल सहारा नहीं दिया और बहुत ही अमन शांति के साथ मालेगांव रहा, ये जानते हुए कि कहीं ये पॉलिटिकल साजिश तो नहीं है। और इस बात को समझकर मालेगांव की दोनों जो मेजॉरिटी वाली जनता है उन्होंने मालेगांव को शांत रखने का काम किया। लेकिन इसके बाद इन दोनों मामलों से भी बड़ा मामला उभर कर आया है, जिस मामले का नाम है मालेगांव नशीले पदार्थों का शिकार बनता जा रहा है, जिसमें कुत्ता गोली सबसे अहम रोल निभा रही है। तो इस कुत्ता गोली का नाम है दोस्तों अल्प्राजोलेन। इसे अल्प्राजोलेन के नाम से जाना जाता है मेडिकल टर्म में। अल्प्राजोलेन ये ऐसी दवा है जो डिप्रेस्ड पेशेंट को दी जाती है, जो चिंताओं से भरे पड़े उन पेशेंट्स को दी जाती है। दिस इज एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट। तो मेरे मन में यह सवाल उठता है कि जब ये एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट है तो स्कूल और कॉलेज के बच्चे इसे क्यों लेते हैं, इससे क्या होता है? तो दोस्तों, इसका एक इफेक्ट है कि ये लेने के बाद आदमी शांति से आराम से सो जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि अगर वो सो नहीं पाता है तो अपना आपा खो देता है, वो गुस्से से भर जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से वायलेंट हो जाता है। आज हमारी इस वीडियो में सबसे ज्यादा तवज्जो इसी बात की तरफ दी गई है कि कैसे कुत्ता गोली या अल्प्राजोलेन ये नाम की दवा लेने के बाद बच्चे अपने आपे में नहीं रहते और फिर क्या क्या हो जाता है, कैसे इस नशे को बच्चों ने अपने में समा लिया है, इन बातों को हमें जरूर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। नशे की जो बात है वो सिर्फ मालेगांव तक सीमित नहीं है, पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि बड़े अमीर घरों के जो बच्चे बच्चियां हैं वो कैसे पब में रातों को जाकर बहुत बुरी तरीके से नशे के आदि होते जा रहे हैं। और मालेगांव जैसा जो छोटा शहर है, जब ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो एक अलग तरह का बुरा नशा करते हैं, जैसे ब्रेड को आयोडेक्स लगाकर खाना, या फिर केरोसिन पी जाना, या कप सिरप की बोतलें खाली कर देना, या फिर देसी दारू पीना, या फिर जिसे घटिया टाइप का जो शराब होता है
वो पी जाना। इस टाइप के नशे के आदि मालेगांव के युवा हो चुके हैं। हमें इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आज नहीं तो कल मालेगांव का जो समाज है वो बहुत ही बुरी हालत में चला जाएगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि कैसे इस गोली का असर होता है, कि अगर ये गोली लेने के बाद नींद आ जाती है तो ये एक आम बात है, लेकिन ये गोली के लेने के बाद अगर नींद नहीं आती है तो यही शख्स अपना आपा खो बैठता है, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और वॉयलेंट हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि छोटे छोटे झगड़े जो होते हैं गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनीज में, इन छोटे छोटे झगड़ों का रूप बहुत बड़ा हो जाता है। बच्चे कभी चौपर निकाल लेते हैं, कभी चक्कू निकाल लेते हैं, कभी छुरी निकाल लेते हैं, कभी कट्टे निकाल लेते हैं, कभी कटर निकाल लेते हैं, और इन बातों को पसंद करने लग गए हैं। उन्होंने इन बातों को पसंद करना चाहिए, कुछ इस तरह का इकोसिस्टम पूरे देश में क्रिएट किया गया है। कभी वो जाति के नाम पर है, कभी धर्म के नाम पर है, कभी फिल्मों में दिखाया जाता है, कभी वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है। हर तरफ उन्हें ये हिंसा भरा माहौल, ये नफरत भरा माहौल दिखाया जाता है, बताया जाता है, और उसी को फॉलो करके ये बच्चे कुछ इस तरीके से अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, अपने फैमिलीज़ की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, अपने समाज की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, और कुल मिलाकर देश का भविष्य हमें अंधेरे में जाता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि मुझे और कोई बात में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे जानना था कि कुत्ता गोली ये जो ड्रग है ये स्कूल और कॉलेज के बच्चों में इतना फेमस क्यों हो गया, इतनी इसे मान्यता क्यों मिल गई इनकी ज़िंदगी में। तो इसकी वजह जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें देखना चाहिए दोस्तों कि कैसे कोरोना पीरियड के बाद खास करके इस दवा को बहुत ज़्यादा डिमांड मिली। पहले इसकी कीमत बहुत कम थी, लेकिन जैसे डिमांड बढ़ गई तो इसकी कीमत भी बढ़ गई, और हम देखते हैं कि कोरोना पीरियड में उससे पहले भी मालेगांव बेरोजगारी से जूझ रहा था, भूखमरी से जूझ रहा था, पावर्टी से जूझ रहा था, शिक्षा की कमी से जूझ रहा था, लेकिन कोरोना के बाद पूरी तरीके से खाली बैठा हुआ जो लंपिंग प्रोलेट्रिएट है, जो मजदूरों से भी और नीचे जो पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, उसने इस कुत्ता गोली जैसी नशे की जो दवा है इसको अपना लिया और इसके पिज़म के तौर पर, छुटकारे के तौर पर इसे कंज्यूम करना शुरू कर दिया। इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ इसके पीछे यह है कि डोमिनो इफेक्ट के नाम पर एक गेम चलता है, जो केमिस्ट्री में भी है, जो फिजिक्स में भी है, और जो बायोलॉजी में भी है, और जो हमारे इंसानों की जिंदगी में भी है। डोमिनो इफेक्ट ऐसा गेम होता है कि एक पत्ते को अगर टच कर दिया जाए तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, एक चीज को अगर गिरा दोगे तो सारी चीजें गिर जाएंगी। कुछ इस तरीके से डोमिनो इफेक्ट का गेम चलता है। अगर आपने अप्पू राजा ये फिल्म देखी होगी, अप्पू राजा में जब वो छोटा सा कमल हसन है उसे जब खून करना होता है तो दरवाजे के बाहर दरवाजा खुलते ही ऐसी एक चीज लगा देता है और पूरी तरीके से वो जो छोटा सा गोटा होता है वो घूमकर बराबर तीर पर लगता है और दरवाजा खोलने वाले के शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। कुछ इसी तरह की बात को डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। डोमिनो इफेक्ट को समझने के लिए यह बहुत ही साइंटिफिक टर्म है या हमारी समझ में शायद ना आ पाए, तो इसको समझने के लिए अब हमें जाना पड़ता है स्पिरिचुअल टर्म की तरफ। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद का अंग्रेजी में अर्थ होता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या डिपेंडेंट अराइजिंग या फिर कंडीशनल अराइजिंग जिसे कहा जाता है, या फिर जिसे कहा जाता है कि इंटरडिपेंडेंसी। वो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट है, अगर ये एग्जिस्ट है तो इसे भी एग्जिस्ट होना पड़ेगा, अगर अच्छा एग्जिस्ट है तो इस अच्छा होने के पीछे बहुत सारा अच्छा कुछ एग्जिस्ट रहा होगा। कुछ इसी तरीके से अगर समाज में कुछ बुरा एग्जिट है तो इस बुरे के पीछे भी बहुत सारा बुरा है, बहुत सारी गलत बातें हैं। मीन्स इफ दिस एग्जिस्ट दैट मस्ट एग्जिस्ट। इस तरीके से जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि अगर हमें ये जो आखिरी पत्ता
नशे के आदि हो चुके जो युवा हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, और जो दूसरे भी लोग हैं जो क्राइम से रिलेट कर रहे हैं, इन सब लोगों को हमें एक अलग ढंग से देखना पड़ेगा, इस तरीके से कि ये हमारे ही समाज का हिस्सा है जो गिर रहा है। अगर इसको बचाना है तो बहुत जरूरी है कि आज हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। हमारे घर से इसकी शुरुआत करनी होगी, हमारे मोहल्लों से इसकी शुरुआत करनी होगी। एक मॉरल प्रेशर ग्रुप हमें क्रिएट करना होगा। सिर्फ पुलिस अपना काम करके निकल जाएगी और सब कुछ ठीक होगा, ऐसे मानकर नहीं चलना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कितना वक्त बाहर गुजारते हैं, स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, वो घर में कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके बर्ताव में कोई चेंज तो आया है। इस तरह की सारी बातें हमें सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, और अगर वो गलत है तो उन्हें बदलना भी पड़ेगा। तभी जाकर इस जैसी नशीली जो दवा है, जो पदार्थ है, इससे हम निजात पा सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं कि कुत्ता गोली जैसी जो दवा है वो हमारी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर कर देगी।